हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ 2। और यहाँ पे इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पेटेंटी। ये जो टॉपिक है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट्स ऑफ पेटेंटी की, जो अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेता है तो उसको क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट जो है पेटेंटी को मिलती है, एक तो है राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट अंडर सेक्शन 48 एंड 50। तो सेक्शन 48 जो है पेटेंटी को राइट देता है कि जो उसने इन्वेंशन को पेटेंट करवाया है वो उसको यूज कर सकता है। और उसी तरह मतलब जो उसका लाइसेंसी है या उसका असाइनर है या उसका एजेंट है उस पेटेंट को वो यूज कर सकता है। इनके अलावा जो है किसी भी मतलब पेटेंटी की परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति जो है इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता। बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है जो कि सेक्शन 47 के अंदर है, जिसको हम इसके अंदर करेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। तो सेक्शन 47 जो है विच एम्पावर द गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट और यूज द पेटेंट प्रोडक्ट फॉर देयर ओन यूज। तो को ऑनर जो है वो भी इंटाइटल टू इक्वल अनडिवाइडेड शेयर इन द पेटेंट। तो राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने पेटेंट रजिस्टर करवाया है, मतलब जिसने अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करवाया है, वो इसको एक्सक्लूसिवली यूज कर सकता है। अगर उसने किसी को लाइसेंस दिया है तो वो यूज कर सकता है। अगर अपने राइट उसने किसी को असाइन किए हैं तो वो यूज कर सकता है। उसका ऑथराइज एजेंट उसको यूज कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। पर यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावरमेंट है कि वो इसको यूज कर सकती है अपने यूज के लिए। और इसी तरह को ऑनर ऑफ ए पेटेंट जो है वो भी इक्वल और अनडिवाइडेड शेयर जो है यूज कर सकता है। राइट टू लाइसेंस, तो सेक्शन 70 जो है जिसके अंदर क्या है कि पेटेंटी को ये राइट ग्रांट करता है कि वो किसी और व्यक्ति को लाइसेंस दे सकता है, उसको ऑथराइज कर सकता है कि वो उस पेटेंट को यूज कर सकता है, लेकिन उसके बदले में वो कंसेशन के रूप में कुछ मनी या रॉयल्टी जो है उसे लेगा। राइट टू असाइन, जिसको सेक्शन 68 एंड 70 डील करता है। देखो यहाँ पे जो पेटेंट है, जो उसके पास पेटेंट है उसको फुली जो है किसी दूसरे को असाइन कर सकता है या कुछ हिस्सा जो होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को असाइन कर सकता है। और यहाँ पे जो असाइनमेंट है सेल के माध्यम से हो सकती है, गिफ्ट के माध्यम से हो सकती है या एनी अदर लीगल मोड के द्वारा। और ये जो असाइनमेंट है यहाँ पे जो वो राइट अपने ट्रांसफर कर रहा है इट शुड बी इन राइटिंग। और अगर ज्वाइंट पेटेंट है तो को ऑनर जो है अपना शेयर जो है पेटेंट के अंदर असाइन कर सकता है। राइट टू सरेंडर द पेटेंट, देखो यहाँ पे पेटेंटी जो है ही इज नॉट बाउंड टू मेंटेन हिज मोनोपोली राइट फॉर द एंटायर टर्म। तो वो किसी भी समय जो है इसके अपने राइट्स को सरेंडर कर सकता है। और यहाँ पे देखो जब वो अपने राइट्स को सरेंडर छोड़ना चाहता है तो एक्सपायरी ऑफ द टर्म से पहले उसको अपना जो नोटिस है वो कंट्रोलर को देना पड़ता है कि ही वॉन्ट्स टू सरेंडर हिज राइट। तो बिफोर एक्सेप्टिंग जो कंट्रोलर है वो इसको पब्लिश करता है ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इसको अपोज कर सकें। उसी तरह राइट टू इशू डुप्लीकेट पेटेंट अंडर सेक्शन 154 एंड 118। तो कई बार क्या होता है कि जो उसका पेटेंटी जो है डुप्लीकेट पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर उसका जो पेटेंट है वो खो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट, जिसको सेक्शन 104 से लेके 108 तक प्रोविजन है, पेटेंटी या उसका असाइनी या उसका लाइसेंसी या उसका एजेंट जो है उनके पास पूरा राइट है सिविल कोर्ट नॉट लेस देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, अगर उनके इस राइट की कोई इंफ्रिंजमेंट करता है, वायोलेशन करता है। यहाँ पे क्या है कि पेटेंटी को एक्सक्लूसिव यूज मिला हुआ है या उसके असाइनी को जो राइट मिले हुए हैं या लाइसेंसी को राइट मिले हुए हैं या उसके एजेंट को, तो यहाँ पे पेटेंट की अगर कोई और
अनऑथराइज यूज होती है तो वो इंफ्रिंजमेंट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट मतलब सिविल कोर्ट के अंदर जो है मुकदमा फाइल कर सकता है। और देखो अगर पेटेंट ग्रांट किया जाता है, अगर इंफ्रिंजमेंट के अगेंस्ट पेटेंटी को राइट ही नहीं दिया जाएगा तो पेटेंट रजिस्टर करने का क्या बेनिफिट है? तो यहाँ पे उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उसके किस राइट को कोई वायलेट करता है तो सिविल कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति को स्यू कर सकता है। और ये जो सिविल कोर्ट है नॉट लेस देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कुछ लिमिटेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं कि जैसे पेटेंटी को क्या राइट्स अवेलेबल है, ये हमने सारे डिस्कस किए हैं। देखो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो वेरी ब्रीफली आपने सिर्फ राइट्स ही मेंशन करने हैं, बट अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है फिर आपने एक्सेप्शंस भी बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ पेटेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पेटेंट जो है, जब इन्वेंशन जो होती है पेटेंट करवा ली जाती है तो मतलब वो सेम गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन के अगेंस्ट में वही रूल है कि दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, और जो गवर्नमेंट है पेटेंट इन्वेंशन को जो है यूज कर सकती है, इवन इसको एक्वायर भी कर सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पेटेंटी को फोरबिड मना भी कर सकती है कि इस पेटेंट इन्वेंशन को तुम यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो है पेटेंट आर्टिकल को इम्पोर्ट भी कर सकती है और आर्टिकल आपको अपने यूज के लिए काम भी उससे ले सकती है, या पेटेंट प्रोसेस को अपने यूज के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन टू हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर यूज कर सकती है। और यहाँ पे उसको पेटेंटी से कोई भी कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। बट गवर्नमेंट देखो अगर पेटेंट इन्वेंशन को यूज करती है तो वो रॉयल्टी भी पे कर सकती है। एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि ये जो एप्लीकेशन इन्वेंशन के अंदर इन्वेंशन मतलब जो मेंशन की हुई है, और यहाँ पे क्या है कि मतलब ये जो इन्वेंशन एप्लीकेशन के अंदर मेंशन है पेटेंट मतलब जिसकी पेटेंट की एप्लीकेशन आई हुई है, और इसके सारे जो राइट्स हैं अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होने चाहिए तो उस सिचुएशन के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो पेटेंट आया है जो इन्वेंशन रजिस्ट्रेशन के लिए आई है और सरकार को लगता है कि इसको पब्लिक पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है अगर सेटिस्फाइड है तो वो उसको इक्वायर कर सकती है। और उसको ऑफिशियल बजट के अंदर क्या है कि ये नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि ये जो है कि वो सारे के सारे जो राइट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है चले गए हैं। और उसी तरह क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन भी पे कर सकती है जितना भी एग्रीड होता है, और अगर कंपनसेशन एग्रीड नहीं है तो हाई कोर्ट जो है उसको डिटरमिन करती है। कंपल्सरी लाइसेंस, देखो यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंस का मतलब पहले हम समझते हैं फिर उसके बाद बताती हूँ। कंपल्सरी लाइसेंस इज व्हेन ए गवर्नमेंट अलाउ समवन एल्स टू प्रोड्यूस ए पेटेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर और प्लान्स टू यूज द पेटेंट प्रोटेक्टेड इन्वेंशन इटसेल्फ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको खुद प्रोटेक्ट करती है, किसी और को राइट्स देती है कि आप इसको यूज कर सकते हो, आपको इसके जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द पेटेंटी ऑन द ग्राउंड कि जब पेटेंटी को पेटेंट ग्रांट किया जाता है तो 3 साल खत्म हो जाने के बाद कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। उसकी शर्तें ये होती है कि रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक जो है वो सेटिस्फाई नहीं की गई, और पब्लिक को ये रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल नहीं है, और जो इन्वेंशन पेटेंट करवाई है ये इंडियन टेरिटरी के अंदर इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। इसी तरह लाइसेंस ऑफ राइट, तो ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस है, तो ये अवेलेबल होती है कि जब पेटेंटी अपनी मर्जी से जो है इन्वेंशन को ओपन कर देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है लाइसेंस ले सकता है या उनके साथ जो है टर्म्स जो एग्रीड होती हैं उसके बेसिस पे क्या है कि इसको यूज कर सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पेटेंटी है वो टर्मिनेशन के लिए भी कंपल्सरी लाइसेंस जो है टर्मिनेट किया जाए कि जो ग्राउंड सर्कमस्टांसेस जिसके बेसिस पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग की गई थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। उसी तरह यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर डिफेंस पर्पस, तो यहाँ पे जो कंट्रोलर है
वो डायरेक्शन दे सकता है कि ये जो इन्वेंशन है इसको दे सकता है कि ये जो इन्वेंशन है प्रिहिप्टिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द पब्लिकेशन ऑफ इन्वेंशन जो कि डिफेंस पर्पस के लिए रेलेवेंट है ना, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई और नहीं यूज कर सकता ना ही उस इन्वेंशन को पब्लिश करता है। और यहाँ पे क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है तो उस सिचुएशन के अंदर डायरेक्शन दे सकता है कि ये जो इन्वेंशन है इसको ना तो यूज करना है ना ही इसकी पब्लिकेशन करनी है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिफेंस पर्पस के लिए यूज करना चाहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस इन्वेंशन को परचेज भी कर सकती है। और उसी तरह अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो एप्लीकेंट है उसने हार्डशिप सफर की है तो उसको जो है वो सॉलिटियम भी पे कर सकती है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि जैसे पेटेंट्स को राइट्स हैं बट दे आर अंडर सम लिमिटेशंस, तो व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज ऑफ द पेटेंटी। तो यहाँ पे क्या है कि देखो उनके पास राइट्स हैं और पेटेंटी के पास कुछ ड्यूटीज भी हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं जो उसको निभानी पड़ती हैं। पेटेंटी की ये ड्यूटी बनती है कि जो पेटेंट राइट उसको मिले हैं वो उसको अनफेयरली ना यूज करे, और ऐसा उसने पेटेंट को ये नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूज नहीं करना। और उसी तरह ये भी पेटेंटी की ड्यूटी है कि जो भी पब्लिक जो पेटेंट उसने जो इन्वेंशन से पेटेंट करवाई है उसकी जो रीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक है वो उसे फुलफिल करनी है, और पेटेंट प्रोडक्ट जो है फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट एट द रीजनेबल प्राइस। और पेटेंट ही जो है उसको ये इंश्योर करना है कि जो इन्वेंशन है उसके ऊपर इंडिया में काम होना चाहिए फुल एक्सटेंट एट ए कमर्शियल स्केल। और पेटेंट की ड्यूटी बनती है कि जो भी कंट्रोलर उसे इंफॉर्मेशन डिमांड करता है वो उसको प्रोवाइड करता है, अगर वो नहीं करता तो उसको पेनल्टी जो है अप टू 10 लाख लग सकती है।